हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम डिस्कस करेंगे बीए एलएलबी का और एलएलबी का सेकंड ईयर का पेपर है जो कि प्रीवियस ईयर है, सेवंथ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस। इसे देख लेते हैं क्या है क्वेश्चंस, पेपर किस तरीके का आया था प्रीवियस ईयर को, इसको डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अभी होने वाला है एक दो दिन के अंदर आपका जो है 6 तारीख को 6 तारीख को ये पेपर होने वाला है। इसको देख लेते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। जब दो या दो से अधिक संबंधियों में एक या एक विधि के दो भागों के बीच विरोधाभास होता है वो नियम क्या कहलाता है? स्वर्णव्यम, पूर्ण अर्थव्यम कहलाता है। ओके, अधिनियम के उद्देश्य में सम्मिलित होते हैं। अधिनियम के उद्देश्य के लिए देखिए प्रस्तावना होता है इसका। ओके, प्रस्तावना होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 का है कि जिन अधिनियमों में विधायिका का आशय देना होता है उसे कहा जाता है वैकल्पिक अधिनियम। वैकल्पिक अधिनियम कहा जाता है संबंधी के किस नियम में शब्दों का सामान्य और सरल अर्थ लगाया जा सकता है? देखिए सरल अर्थ लगाया जा सकता है, इसके लिए जो है शाब्दिक अर्थ होगा, है ना, शाब्दिक नियम होगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है संसद में द्वारा बनाए गए कानून और राज्य मंडल द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता के मामले में कौन कानूनी प्रभावी होगा? इसके लिए है सी आंसर, राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के पूर्व पश्चात में संसद विधि द्वारा निर्मित विधि, यानी कानून जो है संसद विधि द्वारा निर्मित किया गया हो वो बाध्यकारी होगा। ओके, ओके, 6 क्वेश्चन को देख लेते हैं। संघीय विधान को अधिकार प्रदत्त किया है वो है बी, संविधान के मूल ढांचे को संशोधित ना करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन का जो आंसर है वो है व्याकरणीय। देखिए क्वेश्चन को आप स्टडी कर लीजिएगा क्योंकि अब मैं बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी क्वेश्चन, ठीक है। ओके, 8 क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 क्वेश्चन में है आपका ए आंसर। ओके, 9 क्वेश्चन में देख लेते हैं। 9 क्वेश्चन है जो वो आपका जो है, देखिए इसमें देखिए अगर इनमें आता कि सहचर्य से जानना स्वर्णिम नियम और अगर देखें तो इसमें जो है हमें ए आंसर है, इसका ए आंसर है। ओके, अगर आप देखेंगे तो 10 का डी आंसर है। ओके, यहां पर देखेंगे इसका 11 का देखेंगे तो न्यायालय है। ओके, 12 का देखेंगे तो 12 का जब आप देखेंगे तो व्याकरण नियम है। ओके, 13 का आप देखेंगे 13 का ए है। ओके, 14 को देखेंगे तो 14 का ए है। 15 को देखेंगे तो 15 का भी ए है। ओके, 15 का भी ए है। अब देखेंगे आप 15 का ए है। 16 को देखेंगे, 16 का है परंतु ये है, 16 का सी है। 17 का आप देखेंगे, 17 का सी है। ओके, 18 को देखेंगे, 18 का ए है। ओके, 18 का ए है। 19 को देखेंगे तो 19 का जो आंसर है आपका वो है ए। ओके, 20 का ए है जी, 20 का ए है। 21 का भी ए है। ओके, 22 को देखेंगे, 22 का ए है। 22 का आप देखेंगे तो 22 का जो आंसर है वो है आपका बी, व्यक्ति। ओके, बी है, 22 का आंसर आपका बी है। 20 आप देखेंगे, 23 का जो आंसर है वो है राजनीतिक नेताओं द्वारा कर वक्तव्य। ओके, 18 का आंसर देखेंगे मीमांस, 18 का आंसर है मीमांस नियम। ओके, उपयुक्त सभी 25 का। 26 का आप देखेंगे तो 26 में आपको जो मिलेगा निम्नलिखित में कठोर निर्वाचन किया है, इसका आंसर जो है वित्तीय होगा। ओके, वित्तीय होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ओके, मुजरई है देखिए विधिक मुजरा, क्या है? विधिक मुजरा। ओके, इसका जो आंसर है वो है सुने जाने का अधिकार। ओके, 30 का आंसर होगा उपयुक्त सभी। 31 का आंसर होगा यह जवाबदेही मुद्दों को उठाता है। ओके, 32 का आंसर होगा आपराधिक विधियां। ओके,
33 का आंसर होगा कानून निर्वाचन अधिनियम के चारों कोनों के बीच किया जाना चाहिए। ओके 34 का आंसर होगा स्वर्णिम नियम। ओके 35 का जो है आपका जो आंसर होगा 35 का प्रस्तावना, क्या होगा प्रस्तावना। ओके 36 का देखेंगे उद्देश्य का, 36 का उद्देश्य का, 37 का माउंटेस्क्यू। ओके जी अब देखेंगे कौन सा क्वेश्चन था ये 37 38 का देखेंगे इसमें आएगा घोषणात्मक विधि। ओके 38 39 को देखेंगे 39 का होगा विधान, 39 का होगा विधानमंडल की इच्छा। ओके 40 का होगा शाब्दिक नियम। ओके 40 का होगा शाब्दिक नियम। 41 का होगा, 41 का होगा वित्तीय संबंधी। ओके 42 का होगा डी उपयोग सभी। ओके 43 का होगा प्रत्यक्ष विधान। 44 का होगा देखिए प्रत्यक्ष विधान हो गया, 44 का होगा अस्थाई। ओके 45 का देखेंगे आप तो बी, 45 का बी। 46 का होगा आपका कर अधिनियम बी, 46 का बी। 47 का होगा आपका मूल लक्ष्य नहीं। ओके भूत लक्ष्य नहीं। ओके ये है 47 48 शाब्दिक निर्वचन। ओके 49 का होगा डायस। ओके 50 का जो होगा वो होगा उद्देश्यपूर्ण निर्वचन। ओके 51 का होगा बी, 51 का होगा बी। 52 का होगा ए। 53 का होगा ए। 54 का होगा डी। 55 का होगा ए। 56 का होगा बी राष्ट्रीय विधि के उल्लंघन के विरुद्ध उपधारणा। ओके 57 देख लेंगे 57 का होगा सी। 58 का होगा सी। ओके 59 का होगा ए। ओके 59 का होगा ए। 60 का होगा सी। 61 को देखेंगे 61 का जो होगा वो होगा साधारण खंड अधिनियम। ओके 69 बिल्कुल 67 का धारा 6। ओके 62 का हो गया धारा, ये हो गया 63 का होगा लेक्स लॉक्सी। ओके 64 को देखेंगे 64 का होगा बी। 65 को देखेंगे 65 का बी। 66 का ए। 66 का ए। 67 का ए। ओके 67 का ए। 68 का होगा दोनों ए और बी। ओके 69 का डी। 70 का डी। ओके 70 का डी। 71 का सी। 72 का डी। 73 का है संशोधनकारी। ओके 73 का संशोधनकारी। 74 का बी। ओके 75 का ए। ओके 76 का देखेंगे 76 का ए। 77 का बी। 78 ओके 78 का देखेंगे तो 78 का है मेनका गांधी बनाम भारत संघ। ओके 79 का ब्राह्म चिन्हों। ओके 78 का है ब्राह्म चिन्हों। ओके 79 का हो गया 80। ओके 80 का है धारा 28 81 का है धारा 23 82 का ए। ओके 83 धारा 26। ओके 84 का उपयुक्त सभी। ओके डी
85 का देखेंगे, 85 का डी, 86 का है निर्वचन, 87 का है ए, 88 का ए, 89 का सी, 89 का सी, 90 का उत्तर प्रदेश राज्य बनाम यानी के ओके, 91 का है पूर्ण के बी, 92 का है डी, 93 का है सी ओके, 93 का है सी, 94 अब देखेंगे 94 का है 368, 94 का 368, 95 का ए, देखिए इसमें ए है बट यहां पर ए की जगह आप लगाएंगे डी, इसका डी आंसर है ओके जी। आपका हो गया 96 का है परंपरागत, 97 आप देखेंगे 97 ओके, 97 में आप देखेंगे राष्ट्रपति होगा, 97 में होगा राष्ट्रपति, 98 में है आपका, 98 ए एंड बी पे लगा दीजिएगा बेटर है ना। अब देखेंगे 99 का ए और 100 का भी ए होगा, 100 का भी ए होगा। तो ये थी आपकी आंसर शीट जो के प्रीवियस ईयर का पेपर है, जो के आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा आपके आने वाले पेपर में, आपको जो है मार्क्स इंक्रीज करने के लिए। ये इंटरप्रिटेशन ऑफ लेटर्स का पेपर था जो कि BLLB का था, और आगे भी अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको प्रोवाइड कराएंगे जो कि BA, BEd एंड BSc, MSc इनके अदर के पेपर होंगे जो कि आगरा यूनिवर्सिटी एंड अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पेपर होंगे। इसी तरीके के कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन डबल होता है, जिससे हम आपको बेहतर से बेहतर आंसर की प्रोवाइड करते हैं। एक और मैं आपसे इशू कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप मुझे उसका कंटेंट सहित आप जो है मुझे कमेंट मेंशन करिए, मैं उसे रीचेक कर लूंगा और आने वाली वीडियो में अपनी मिस्टेक को चेंज कर लूंगा। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।